मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी और प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही, ये सामान्य घटना नहीं है। ये सब किसके इशारे पर हुआ, इसकी जांच हो रही है। बीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, ये अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी और प्रधानमंत्री की हत्या की बात कोई करे, ये सामान्य घटना नहीं है। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। वो इस साजिश को किस प्रकार से अंजाम देने का भी प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किनके इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसकी जांच हो रही है। ऐसे लोग नहीं बच सकते। देखिए, कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, कल मैंने कहा था कि जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी और प्रधानमंत्री की हत्या की बात कोई करे, ये सामान्य घटना नहीं है। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किनके इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा। और कानून के तहत जो बातें होंगी, उसमें कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग नहीं बच सकते मध्य प्रदेश में। बीजेपी में गुपचुप हुई बड़ी बैठक पर विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, ये बैठकें रूटीन होती हैं। जब हमारे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता रहते हैं तो सामान्य तौर पर जो संगठन के काम के दृष्टि से अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं, ये कोई बहुत औपचारिक बैठक नहीं थी और ये तो सामान्य तौर पर होती रहती है। बैठकें जो रूटीन होती है, जब हमारे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जब रहते हैं, माननीय शिवप्रकाश जी, मुरली जी, अजय जी, हम सब लोग यहां पर थे, तो इसलिए सामान्य तौर पर जो संगठन के काम की दृष्टि से एक अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं, उसके निमित्त बैठक थी। ये कोई बहुत औपचारिक बैठक नहीं है, ये तो सामान्य तौर पर होती रहती है। ग्वालियर में भाजपा की बैठक। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।